शुभ्रा शर्मा के पास चलता हूँ दिल्ली में, फिर मैं बहस को खोलूंगा। और मैं आपको बता दूं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी टाइम निकाल के गए हैं एनसीबी के अंदर, यानी उनकी बात में वजन है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल के पत्रकारिता करियर में मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आज तक कोई छोटा या घटिया इल्जाम किसी पर लगाते या किसी जांच की मांग करते हुए कभी नहीं देखा। जितने सिख अफगानिस्तान से निकल कर आए हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, उनके पीछे कोई अगर एक शख्स है तो वो मनजिंदर सिंह सिरसा है। इसलिए प्लीज मैं पैनल को बताऊं कि उनकी बात को गंभीरता से लीजिए, वो बहुत वरिष्ठ हैं, वो हल्की बात बिल्कुल नहीं करते। शुभ्रा के पास चलता हूं, दिल्ली से मेरी दर्शक शुभ्रा जी जुड़ गई हैं। शुभ्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अगर ये तमाम चीजें सवालों में रही हैं तो फिर जांच होनी चाहिए और करण जौहर को खुद सामने आके बोलना चाहिए, देखिए कुछ गलत नहीं है इस पार्टी में, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जी दीपक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर करण जौहर की पार्टी का वो जो वीडियो हमने वायरल वीडियो देखा, अगर उसमें उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। अगर वो जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ, अगर बॉलीवुड इस वीडियो में इन लोगों ने ड्रग्स किया है या नहीं किया है, सब कुछ साफ पता चल जाएगा। और हम खुद देख सकते हैं कि एक बड़ी पर्सनालिटी जो है, ये सब ड्रग्स के केसेस में आज आए दिन इन सबके नाम आते रहते हैं, तो हमें कैसे, एक जो यंग जनरेशन है वो इनको अपना रोल मॉडल समझती है, तो ये लोग जो करेंगे, ऑब्वियस चीज है कि जो भी यंग बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा, वो इनको अपना रोल मॉडल समझ के वो चीज इनको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो नई जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। और जो सिरसा जी ने भी जो इनके खिलाफ आवाज उठाई है, बहुत सही आवाज उठाई है। सोसाइटी में बॉलीवुड का एक बहुत अहम रोल है, तो बॉलीवुड में इस वीडियो की जांच होनी बहुत जरूरी है। दीपक जी, ठीक है,